एक्सरसाइज 22.9 क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में है वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं इसमें। तो जो हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और ये डी वाई इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम फर्स्ट, ठीक है, एंड सेकेंड अगर तुम एक्स की जगह लैम्डा एक्स एंड वाई की जगह लैम्डा वाई रखते हो तो साफ आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये क्या है, एक होमोजीनियस लीनियर, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो सिंपल क्या करो, तुम लिख सकते हो इट इज़ अ लीनियर होमोजीनियस, इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देयरफॉर क्या करो, पुट वाई इक्वल्स टू वी एक्स, तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू v को छोड़ दो x का डिफरेंशिएशन 1, x को छोड़ दो v का डिफरेंशिएशन dv वी बाय डी एक्स। ठीक है, पुट कर दो v प्लस एक्स dv वी बाय डी एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, y की जगह क्या रखेंगे vx, तो ये क्या आया माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल अपॉन x, तो x ही रहेगा माइनस x और इसकी जगह vx, ठीक है, और प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आया यहाँ से, देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है ऊपर से और नीचे से भी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो क्या बचता है यहाँ पे, वन माइनस वी और प्लस कितना वी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, एंड दिस इज वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। ठीक है, इसको उधर ले जाओ तो एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर होल अपॉन वन माइनस वी प्लस कितना वी स्क्वायर। ठीक है, ये इधर आया माइनस वी और हमने एलसीएम लिया तो कितना आया वन माइनस वी प्लस वी स्क्वायर। ये आया यहाँ पे माइनस वी स्क्वायर माइनस वी प्लस वी स्क्वायर और ये कितना आया इधर माइनस वी क्यूब। ठीक है, ये अच्छा ये वी आएगा सिर्फ, इससे ये कैंसिल होल अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर माइनस वी। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है एक्स डी वी बाय डी एक्स। ठीक है, तो न्यूमरेटर में बच रहा है क्या वी और ये, तो यहाँ से माइनस वी कॉमन ले लो एक्स डी वी बाय डी एक्स, हमने माइनस वी कॉमन लिया तो वन प्लस वी स्क्वायर होल अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर माइनस डी वाई टर्म्स इधर और एक्स वाले इधर, तो क्या आएगा ये वन प्लस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन वी और वन प्लस वी स्क्वायर, ये माइनस हमने इधर ही रखा है और ये साथ में क्या डी वी इधर माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं इसमें। तो लास्ट में कहाँ पर आए थे हम, वन प्लस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स। ये आ गया। अब वन प्लस, अब ना इसको सेपरेट करते हैं तो क्या आएगा वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी और ये वन प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस वी डी वी अपॉन वी और ये वन प्लस वी स्क्वायर, वन प्लस वी स्क्वायर के साथ ये और फिर माइनस में ये,
इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है, इससे ये कैंसिल, सो दिस इज वन अपॉन वी डी वी, यहाँ पे ये कैंसिल, तो माइनस वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी, एंड हियर माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स, हमें सबके इंटीग्रेशन पता है, लॉग वी माइनस टेन इनवर्स वी इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस कितना सी, ठीक है। अब यहाँ हम सी भी लिख सकते हैं, लॉग सी भी लिख सकते हैं, लॉग सी लिख लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो लॉग सी लिख लो, ठीक है। वी क्या है यहाँ पे, वी है वाई अपॉन एक्स, तो लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है, इसके लिए प्लस अगर हम यहाँ रखें, ठीक है, तो एक काम करो, चलो ऐसे ही रखते हैं, इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी, सारी वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास। अब क्या करो, इसमें सारी लॉग वाली टर्म्स एक साथ कर दो और जो बिना लॉग की हैं उन्हें एक साथ कर दो, ठीक है। तो जैसे ये क्या है, लॉग वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग सी और इक्वल्स टू कितना, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, लॉग ए प्लस लॉग बी, सो दिस इज लॉग ए बी, तो वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस लॉग सी, तो ये कहाँ आ जाएगा, अपॉन में सी आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया हमारे पास, लॉग वाई अपॉन सी, ठीक है, और ये इक्वल्स टू में कितना, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, है ना। बस तुम इसमें एक और काम कर सकते हो क्या, कि वाई अपॉन सी इज इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ख़त्म।